कितने ही लोगों की मौत का जिम्मेदार है वो, और अभी तक जिंदा है। क्यों 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 अब तक राकेश शर्मा को मार नहीं पाया हम? क्यों? जंग में हर लड़ाई हर बार नहीं जीती जाती, जब जीतते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और जब हारते हैं तो इंतजार करते हैं दुश्मन का, सही मौके का। हम आज तक राकेश शर्मा को नहीं मार पाए, लेकिन हम इंतजार करेंगे सही मौके का। इंतजार, मौका और इंतजार, बस यही है आपके पास कहने के लिए? हाँ सही तो है, एक रिटायर्ड फौजी की जुबान बोल रहे हैं आप। दुनिया जहान का वक्त होगा तुम्हारे पास, मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर हम राकेश शर्मा को नहीं मारते तो हमारा जज्बा और क्रांति की ताकत सब खत्म हो जाएगी। लोग काम करने वालों पर यकीन करते हैं, बातें करने वालों पर नहीं। और पिछले एक साल से राकेश शर्मा को मारने की बातें कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ बातें। एक ही सपना 365 रातों में कितनी बार देखा जा सकता है यूसुफ भाई, कितनी बार? सोहन, हम हमले का सामना कर रहे हैं। पता लगा है कि फौज हमारी तलाश में सारा इलाका छान रही है। ये समय हमला करने का नहीं है, ये समय छुप कर बैठने का है। और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम अपनी तैयारियां दोबारा शुरू कर देंगे। हफ्ते भर में झारगांव के हादसे की सालगिरह है। क्या है सालगिरह? सिर्फ एक और दिन? नहीं, हमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। क्यों ना ले दिल से काम? झारगांव का हादसा हम में से एक एक के दिल पर खुदा हुआ है, और आप दिमाग की बातें करते हैं। वहां मौतें हुई थी, भाई बहन बीवी बच्चे माएं, किस किस का खून नहीं बहा। आप बेगानों की तरह कैसे बात कर सकते यूसुफ भाई? मैंने अपना पति खोया है वहां, वो हम में से एक था। साल भर पहले बदला लेने के लिए मैं आप लोगों के साथ शामिल हुई थी। आप लोगों का मकसद क्या है मैं नहीं जानती, क्रांति नहीं जानती, लेकिन पति खोने का दर्द समझ सकती हूं। आप मुझसे मेरा इंतकाम नहीं छीन सकते यूसुफ भाई, नहीं छीन सकते। क्रांति के गारे में मजलूम के आंसू और बहादुरों का खून पड़ता है, लेकिन आप नहीं समझेंगे। आपके लिए रिटायरमेंट के बाद ये एक और फौज की नौकरी है। सोहन भाई, एक बार, सिर्फ एक बार मौका दो राकेश शर्मा को मारने का, कसम खाता हूं नाकाम नहीं होगा मैं, मार डालूंगा उसे, मैं मार डालूंगा मैं।